गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस डायरेक्टेड। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। लेट मी कम इन, आई विल ब्रेक डाउन द डोर, कंबाइन यूजिंग बट एल्ड एंड, सी मे कॉल अ फिजिशियन, सी मे कंसल्ट अ वैद्य, कंबाइन यूजिंग आइदर आर, यू कांट गेट स्टाम्प्स टूडे, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज, कंबाइन यूजिंग एंड बट सो। ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इन का मतलब है मुझे अंदर आने दो। सेकंड है आई विल ब्रेक डाउन द डोर, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें एक काम दिया गया है, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। फिर अगर अंदर नहीं आने दे रहा हो तो हमें एक वार्निंग दी गई है, आई विल ब्रेक डाउन द डोर, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। हमें इसमें ये करना है, कंबाइन यूजिंग, या तो हमें इसको बट से मिलाना है या एल्ड से या एंड से। मुझे अंदर आने दो, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, इसमें हमें वार्निंग दी गई है। जब वार्निंग दी जाए तो ऐसे सेंटेंस है इसको हम एल्ड से मिलाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट मी कम इन एंड आई विल ब्रेक द डोर, ब्रेक डाउन द डोर, मुझे अंदर आने दो अन्यथा मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो एल्ड से दोनों वाक्यों को मिलाया गया है और इसका जो हम जहाँ एल्ड से मिलाते हैं वहाँ पर वार्निंग दी जाती है। सेकंड है सी मे कॉल अ फिजिशियन, वह फिजिशियन को बुला सकती है। सी मे कंसल्ट अ वैद्य, वह वैद्य से सलाह ले सकती है। कंबाइन यूजिंग आइदर आर, इसको हमें या तो आइदर आर से मिलाना है या बट से या अदरवाइज। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ हमें दो ऑप्शन दिए गए, सी मे कॉल अ फिजिशियन और फिजिशियन से को बुला सकती है, सी में कंसल्ट अ वैद्य, वैद्य से सलाह ले सकती है। जब ऑप्शन दिए गए दो ऑप्शन है तो ऑप्शन हो तो उनको हम आइदर आर से मिलाते हैं, आइदर आर से। हमारा आंसर होगा सी में आइदर कॉल अ फिजिशियन आर कंसल्ट अ वैद्य, वह या तो फिजिशियन को बुला सकती है या वैद्य से सलाह ले सकती है। तो पहले ऑप्शन के पहले हमने रखा है आइदर और दूसरे ऑप्शन के पहले हमने रखा है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कांट गेट स्टाम्प्स टुडे, आज आप स्टाम्प प्राप्त नहीं कर सकते हो। द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है। इनको हमें करना ही है कंबाइन यूजिंग, या तो इन्हें हमें एंड से जुड़ना है या बट से या सू से। एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब होता है परंतु, बट विरोध बताता है, सो माने इसलिए जो परिणाम बताता है। इन बातों को हमने शो से मिलाया, द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है, इसीलिए यू कांट गेट स्टाम्प टुडे, इसलिए आज आप स्टाम्प प्राप्त नहीं कर सकते। द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज सो, इसीलिए यू कांट गेट स्टाम्प टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही कुड नॉट कैच द बॉल, वह बॉल नहीं पकड़ सका। या तो इसको हमें अदरवाइज से जुड़ना है या आर से या बट से। अदरवाइज का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ जब एक वाक्य में काम में रहता है और तो दूसरे में वार्निंग दी जाती है। आर का प्रयोग हम दो जगह करते हैं, पहला या तो दोनों वाक्यों में ऑप्शन दिए गए हैं और हमें चुनना है दोनों में से एक, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, या परिणाम के रूप में भी, परिणाम बताने के लिए भी हम आर का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ, या वहाँ पर हम आर के स्थान पर अदरवाइज भी रख सकते। बट का मतलब होता है परंतु, जहाँ पर बट का प्रयोग होता है वहाँ हमें विरोध दर्शाए जाते हैं बात उल्टे बात। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही कुड नॉट कैच द बॉल, वह बॉल नहीं पकड़ सका। इसमें दोनों में एक विरोध है, अगर तेज दौड़ेगा तो हमें बॉल पकड़ लेनी चाहिए थी, बॉल चूंकि हम पकड़ नहीं पाए इसलिए यहाँ विरोध दर्शाया गया। ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट कैच द बॉल, वह तेज दौड़ा परंतु बस नहीं पकड़ सका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वर्कड प्रेटी हार्ड, सी वर्कड प्रेटी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा फेल हुआ। उनको हम मिलाना है यूजिंग येट से, एंड से और देयर फोर। येट माने फिर भी, एंड माने और, देयर फोर माने इसी भी। देखिए तो सी वर्कड प्रेटी हार्ड, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आंसर है सी वर्कड प्रेटी हार्ड येट सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गई। तो इस वीडियो में उस यूएस डायरेक्टरेट के सेंटेंस बताए गए हैं, उनको हल कैसे करना है ये भी बताया गया है। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।